वो खिलाया पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी के जरिए से क्या कुछ जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश कर रहा है, ये आप सब लोग बाखूबी तरीके से जो है वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन जो है वो कोई ना कोई हमला करने की साजिश जो है वो चल रही है। लगातार घुसपैठ जो है वो चलती रहती है, इनकाउंटर चलते रहते हैं। जब जैसे ही इनपुट जो है वो मिलते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो उसी समय जो है वो हरकत में आ जाते हैं। तो फिलहाल अगर आपको याद होगा 27 जून 2021, तो आप लोगों को इतनी चीज़ याद रहेगी कि 27 जून 2021 को जो है वो जम्मू के एयरफोर्स पर जो है वो अटैक किया गया था ड्रोन के थ्रू। और पहला अटैक जो है वो ड्रोन के थ्रू किया गया था, जिसके बाद जो है एजेंसियाँ अपनी जांच में इन्वेस्टिगेशन में जो है वो जुट गई थी, और उसके बाद एक के बाद एक खुलासे करने के लिए जो है टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और फिलहाल आपको जो मैंने कैप्शन में ये बताया है, एक हमला जो था वो तो कामयाब हो गया, दूसरा कोई बात नहीं फिर कभी देख लेंगे। ये बातचीत जो है एजेंसी जब अपनी हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं वो जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे में ये हैंडलर्स की बात सुनी है कि एक हमला कामयाब हो गया, यानी कि जो एयरफोर्स पर हमला किया गया था 27 जून को वो हमला कामयाब हो गया। तो दूसरा हमला मैं आपको याद दिला दूं कि जिस दिन यानी कि 27 जून को जब ड्रोन के थ्रू हमला किया गया था, उसी दिन बठिंडी से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था, और उसके पास 5.5 किलो आईडी बरामद जो है वो की गई थी। और हम उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट हो चुकी थी, और जब ये आईडी जो है वो बरामद की गई थी, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति को ये इनपुट मिले थे, उस व्यक्ति को ये आगे से ऑर्डर आया गया था उनकी ओर से जो आतंकवादियों के हैंडलर है, कि इस आईडी ये जो 5.5 किलो की आईडी बरामद की गई थी, इसे जम्मू के किसी धार्मिक स्थल यानी कि जम्मू के किसी मंदिर के बाहर यानी कि जो क्राउडेड एरिया होता है वहाँ पर ये आईडी का जो ब्लास्ट है वो करने की साजिश हो रही थी। बल्कि जिस दिन एयरफोर्स पर ड्रोन के थ्रू हमला किया गया है, उसी के अगले दिन जो है वो ये आईडी का जो उन्होंने साजिश रची थी कि किसी मंदिर के बाहर किसी क्राउडेड एरिया में जो है ये आईडी ब्लास्ट करना है, तो वो नाकामयाब हो गया, यानी कि उसे कामयाबी नहीं मिली, उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो पहले ही पकड़ लिया। इस वजह से उन्होंने कहा है कि एक कामयाब हो गया, दूसरा जो है कोई बात नहीं फिर देख लेंगे। और उसके बाद लगातार जो है इनकाउंटर्स चल रहे हैं, लगातार ड्रोन की गतिविधियां जो है वो सब देखी जा रही है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अपने कार्रवाई की है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अपना कार्य किया है वो तो बाखूबी है, साथ ही साथ जो हमारी खुफिया एजेंसी जो इस बारे में जो अपनी पूरी पुष्टि कर रही हैं बातों की, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसमें ये बात आई है कि ये हैंडलर्स की बात सुनी गई है कि एक हमला तो कामयाब हो गया, दूसरा कोई बात नहीं फिर देखा जाएगा। तो ये 27 जून का बात है, 27 जून को जो है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के दिन जो है शहर में एक और हमला करने की साजिश जो है वो रची गई थी, और ऐसे में बठिंडी से आईडी के साथ पकड़े गए जो आतंकी जिसका नाम नदीम है उसने ये साजिश रची थी। और हमले के बाद खुफिया एजेंसियाँ जो है उन्होंने पाकिस्तानी हैंडलर्स की बातचीत सुनी, जिसमें ये इंटरसेप्ट किया गया कि हमें इसमें हैंडलों को ये कहते हुए सुना है कि एक हमला कामयाब हो गया और दूसरा हमला जो है वो अभी करना रहता है। और जानकारी के मुताबिक 27 जून की रात को ड्रोन हमला होने के बाद अगले दिन शहर में जो है आईडी विस्फोट करने के लिए जो है वो कुछ साजिश रची गई थी, जो कि नाकाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर ली, क्योंकि एक व्यक्ति एक संदिग्ध जो है उसे गिरफ्तार किया गया था उस 5.5 किलो आईडी के साथ, जो कहीं प्लान करके जो है उसे ब्लास्ट करने वाली थी। और जो ये आईडी है ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी, और इसे नदीम ने बठिंडी से लिया था, और बठिंडी में एक शख्स ने आईडी जो है वो रख दी थी, जिसके बाद नदीम के फ़ोन पर एक वीडियो चला गया कि इस बैग को ऐसी जगह पर रखा गया और आप जाके जो है वो वहाँ से वो बैग उठा ले, और उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो प्लान बनाया था कि यहाँ पर अटैक करना है तो उसको जो है वो आगे प्रोसेस करें। लेकिन प्रोसेस होने से पहले ही वो आईडी जो है वो जैसे ही नदीम के हाथों में पहुंची, उसी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उसे पकड़ लिया था, तो दूसरा हमला जो है वो नाकाम हो गया था। और लगातार इनकाउंटर्स चल रहे हैं, ड्रोन्स की गतिविधियां हो रही हैं, यानी कि बौखलाहट जो है वो साफ तौर से दिख रही है। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद अब कश्मीर के यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो है वो थोड़ी हरकत बढ़ी है, यानी कि थोड़ी गतिविधियाँ जो हैं वहाँ पर हो रही हैं, यानी कि उनकी ओर से साफ तौर से बौखलाहट है। उनका कहना है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर एक है, एक माना जाता है, तो कश्मीर जो है वो तो बिल्कुल ही हिंदुस्तान का ही है। तो ये बौखलाहट कश्मीर के लिए जो उनकी ओर से दिखाई जा रही है, कश्मीर के लोग भी शांति से रह रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जन्माष्टमी में वहाँ पर जो है
जो झांकी निकाली जाती है कृष्ण जी की, वो निकाली गई पहली बार था। और 15 अगस्त पर जो है पहली बार लाल चौक पे जो है वो हमारे तिरंगे लाइट चल रही थी, हमारे तिरंगा जो है वो वहाँ पर लहरा रहा था। ये सब चीज़ें जो है वो देखकर उन्हें बौखलाहट दिख रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार अपना कार्य कर रही है और आगे भी जो है वो करती आएगी। और हमारा सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम है जो अपना कार्य जो है बाखूबी तरीके से कर रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे जुड़ रहे हैं बाहू एक्सप्रेस के साथ।